नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर स्तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिलीपींस में है, मनीला में है। 1960 में बना था। 1000 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं और स्टाफ है। मेरा मकसद है कि धान उखाने वाले किसानों की आमदनी बढ़ाना। तो हरित क्रांति में इस इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा काम था। एशिया अफ्रीका के किसानों के लिए काम कर रहा है ये इंस्टीट्यूट। कोई प्रॉफिट नहीं कमाता, सिर्फ रिसर्च और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। नए बीज और टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा काम है। इंस्टीट्यूट ने हम किसानों की बेहतरी के लिए एक वीडियो जारी किया है, धान के ऊपर है, इंग्लिश में है। मैं आपके साथ ये वीडियो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें धान के पौधों की सही खुराक के बारे में ABC बता रहे हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि धान के पौधों को जरूरी कौन से तत्व चाहिए। जरूरी तत्वों से ही बढ़वार ठीक हो पाती है। यहाँ ये कह रहा है कि मेरा नाम ओराइजा है। साइंटिफिक नेम धान का ओराइजा सटाइवा होता है। मैं आपको धान के पौधों की न्यूट्रिशन की प्रॉपर ABC के बारे में बताऊंगा, ऐसा ये कह रहा है। जब धान के पौधे स्वस्थ होंगे तभी हम अच्छी पैदावार के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। जैसा कि हमारी सेहत के लिए भी धान के पौधों का सेहतमंद होना जरूरी है। पौधे स्वस्थ होंगे तो दाने भी अच्छे निकलेंगे। पानी के अलावा भी धान के पौधों को बढ़ने के लिए काफ़ी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। बम्पर पैदावार के लिए हमें सही खादों, न्यूट्रिएंट्स को सही मात्रा का सही समय पर प्रयोग करना चाहिए। यही तो प्रॉपर न्यूट्रिशन है, ठीक है जी। सही समय पर सही खाद और कितनी मात्रा में कौन सी खाद डालनी चाहिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है ना, बहुत सिंपल ही है, आसान है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि धान के पौधों को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ए में तो ये आ गया, और बी जो है दूसरा हमें, और बी जो है हमें बढ़वार की खास खास स्टेजेस का भी पता होना चाहिए कि कब हमें क्या डालना है। और सी का मतलब कल्ले फूटने और पैनिकल इनिशिएशन जब वो सिट्टा बालिया जो है ना, तने के नीचे से जड़ के थोड़ा ऊपर अंदर से थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है, बेबी सिट्टा कह सकते हैं उसको, उस समय हमें कौन कौन सी खादों की ज़रूरत होती है। ये वीडियो इसी के बारे में ही है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि धान को कौन कौन से तत्वों की ज़रूरत होती है, ठीक है जी, और इन तत्वों को प्राप्त करने के कौन कौन से सोर्सेस हैं। अब खादे न्यूट्रिएंट्स पौधों को स्वस्थ रखने और बम्पर पैदावार के लिए चाहिए, ठीक है। धान को बहुत ज़रूरी तत्व है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, जिंक और सल्फर, ठीक है, ये ज़रूरी तत्व है। अब नाइट्रोजन जो है ना, वो पत्तों को हरा भरा करती है, तने को भी ग्रोथ को बढ़ाती है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है अधिक मात्रा में बम्पर पैदावार लेनी है तो। और फास्फोरस जड़ों के विकास के लिए और कल्लों के फुटाव के लिए शुरुआत में ही देनी चाहिए। तो इसीलिए तो DAP जो हमारे यहाँ आता है 46% होता है तो शुरू में देते हैं। और ये पोटाश से पौधों की स्ट्रेंथ, बीमारियों से लड़ने की शक्ति और जानदार बढ़वार होती है। पौधों के बाद की स्टेज में जब पोटाश की कमी हो जाती है, मतलब बालियों के समय भी पोटाश की जरूरत होती है, तो दाने कम भर सकते। जिंक पौधों की बढ़वार को कंट्रोल करता है, बहुत जरूरी है। फोटोसिंथेसिस के ओवरऑल पौधों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। सल्फर से पौधों के पत्ते हरे भरे रहते हैं, सल्फर से बढ़वार और पैदावार ज़्यादा होती है, सल्फर भी बहुत जरूरी है। अब धान के पौधों को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? कई सोर्सेज हैं। सबसे बड़ा स्रोत तो है जब हमारी जमीन ही है। जमीन के अंदर कई मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर एक गोदाम है, डालते रहो और निकालते रहो, आग ना लगाओ, इसी के अंदर ही मिलाते रहो फसल के अवशेष। सिंचाई के पानी से भी पोषक तत्व मिलते हैं, इसमें घुले हुए और सस्पेंडेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पानी से भी मिलते हैं हमें। अब धान के पौधों के लिए एक दूसरा सोर्स है ऑर्गेनिक मटीरियल। ऑर्गेनिक मटीरियल जो है ना, हमें फसल के अवशेषों से मिलता है, जो फसल काटने के बाद हम आग लगाते हैं, आग नहीं लगानी चाहिए, और या फिर पशुओं के वेस्ट देसी खाद से भी मिलता है। अब ये ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, जो धान के पोषक तत्व मिलते हैं लेकिन सड़ने गलने के बाद ही फसल को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जो कि एकदम पौधा एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब इसको सड़ना गलना डिकम्पोज होना जरूरी है, कच्ची खाद से कोई फ़ायदा नहीं। हमारी ज़मीन में सूक्ष्म जीवाणु भी होते हैं जो इस फसल अवशेषों और देसी खाद को गलाने में मदद करते हैं। गलने के बाद ही ऑर्गेनिक मैटर है ना, जो जरूरी तत्व रिलीज करते हैं, जो धान के पौधों के बढ़वार के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है जी। फसल अवशेषों में पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है लेकिन नाइट्रोजन बहुत कम होता है, तो हमारे को नाइट्रोजन अलग से डालना चाहिए ज़्यादा पैदावार लेनी है तो। अब इनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में डालनी है, ट्रालियाँ भर के डालनी चाहिए। यूँ नहीं कि भी दो चार कट्टे जो मार्केट में मिलते हैं ना,
पैकिंग में मिलते हैं 200-400 का कट्टा, चार कट्टे डाल दिए तो उससे कुछ नहीं होगा, कम से कम ट्रालियां भर के डालना चाहिए ऑर्गेनिक मैटर, तभी हमारे को भरपूर पैदावार देगा। जमीन पानी ऑर्गेनिक मैटर से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना वो काफ़ी नहीं होते, हमें और खादें डालनी चाहिए। किस स्टेज पर डालनी चाहिए यही इस वीडियो में बताया गया। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश सल्फर वाली खादें जो है ना जरूर डालनी चाहिए, सही समय पर सही मात्रा में खादों को डालकर ही हम बहुत अधिक पैदावार ले सकते हैं। खादों की पूरी पैसा वसूली होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर DAP जो ज़्यादा यूज़ होता है या NPK 12-32-16 यूज होता है, DAP 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है, फास्फोरस शुरू में चाहिए होता है। और जो NPK है 12-32-16, इसके अंदर 12% नाइट्रोजन है, 32% फास्फोरस, 16% पोटाश है, तीनों तत्व जो शुरू में चाहिए उनकी पूर्ति करता है, कंप्लीट फर्टिलाइजर कहते हैं। मोस्टली नाइट्रोजन के लिए यूरिया का प्रयोग करते हैं, इसके अंदर 46% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का वर्ल्ड में सबसे सस्ता सोर्स यूरिया ही है। नाइट्रोजन जो है टिलरिंग और पैनिकल स्टेज पर बहुत ही जरूरी है। म्यूरेट और पोटाश में 60% पोटाश होता है, ठीक है जी, ये जो है ना हमें भी ये भी शुरू में डाल देना चाहिए। जिंक जो है जिंक सल्फेट के रूप में मिलता है, 21% भी होता है, 33% भी होता है, अब तो ऑक्साइड फॉर्म में भी मिलने लग गया है। जो सल्फेट फॉर्म है इसके अंदर 15% सल्फर भी होता है। तो कुछ जरूरी बातें समराइज लास्ट में कर देते हैं कि भाई NPK ज़्यादा मात्रा में चाहिए, लेकिन दूसरे तत्व जो होते हैं ना जो सल्फर और जिंक है जैसे, वो कम मात्रा में चाहिए होते हैं। इन तत्वों की पूर्ति जमीन पानी ऑर्गेनिक मैन्योर से पूरी नहीं हो पाती, इसलिए हमें भरपूर पैदावार के लिए मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर्स, मतलब कि जो यूरिया है, DAP है, NPK है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, जिंक है, सल्फर है, ये डालने चाहिए ताकि फसल को सही समय पर सही मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, ताकि हम भरपूर पैदावार ले सकें। अब ये जो वीडियो जो है, जैसे शुरू में मैंने बताया था, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई थी, तो आपको मेरा ये प्रयास, मेरी ये मेहनत सफल नज़र आती हो तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो।